तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मंडी में चकोर आ चुकी है। जो आपको मैंने चकोर दिखाई थी वो इसी, ये भी इलाहाबाद से हैं पर ये इस भाई के जो बड़े ब्रदर है उनकी थी, ये छोटा ब्रदर इनकी है चकोर। और यहाँ पर इस बार पहले चकोर को लेके एक ही बंदा आता था, इस बार यहाँ पर दो शॉप अलग अलग जगह पर लगी हुई है। और ये देख सकते हो ये बतख भी लेके आए हैं, है ना, ये बतखे हैं। और क्या इनका प्राइज है, क्या जोड़ा बेच रहे हैं, मैं अपन एक बार जरा मैं भाई साहब को पूछता हूँ और फिर आपको बताते हैं कि क्या रेट है और क्या रेट नहीं है। भाई साहब क्या नाम है, क्या नाम है अपना? छुटाई सोनकर। क्या नाम है? छुटाई सोनकर। अच्छा छुटाई सोनकर, कहाँ से आए हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। तो अभी क्या लेके आए हो आप? चकोर लाए हैं, बतख लाए हैं। बतख लाए हो, तो भाई साहब चकोर का क्या प्राइज है? इनका जोड़ा 700। 700 रुपए का जोड़ा है। तो लोग क्या काम में लेते हैं इनको, शौक से या कैसे? अंडे देके बच्चे होंगे। अच्छा, अंडे बच्चे करो, राखी भी करता है कोई, प्रबंध आता है। तो इसमें अभी मेल और फीमेल दोनों होंगे? हाँ, दोनों। तो आपको कैसे पता लगता है कि ये मेल है ये फीमेल है? पता लग जाता है। तो कितनी चकोर लेके आए थे अभी आप? हम तो लाते हैं 1000। 1000। तो अभी कितने क्या जोड़े सेल कर दिए मंडी में? अभी तो सेल हो रहा है 700 रुपए जोड़ा से। नहीं, कितने सेल कर दिए यानी कि चक्कू सेल हो गया है? अभी तो 100-200 पीस 800 सेल हो गया। अच्छा 100-200 पीस सेल कर दिया? नहीं, 100-200 बचा है, सारी सेल हो गई है। सारी सेल हो गई। हाँ। तो नहीं, इतनी ज्यादा डिमांड रहती है कि? हाँ, मंडी में डिमांड बहुत ज्यादा होता है। तो लोग खाली शौक से लेके जाते हैं? लेते हैं। ये जो बाहर जो बतख है ये कितने रुपए जोड़े की? 1000 का जोड़ा है। 1000 का जोड़ा है। बतख का, बतख का महंगा क्यों है? बतख का महंगा है थोड़ा सा। बाकी मंडी में भाई साहब पहली बार आए हो कि आज से पहले भी आते थे? पहले भी आते थे। और इस मंडी के अलावा और किसी मंडी में नहीं जाते क्या? जाते हैं, वो उधर अम्बरसर जाते हैं, बल्ला मेला जाते हैं। बल्ला मेला हर जगह जाते हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पे बहुत डिमांड रहती है इनकी चकोर की है। तो इसमें से जैसे कि कोई बंदा आपको पैसे दे जाए और बोल जाए कि भाई साहब मैं बाद में ले जाऊंगा, तो ऐसे भी होंगे इसमें आते हैं? ऐसा भी होता है, है ना। तो आपको मेरे को लगता है कि आजकल में आए 2-3 दिन में निकल जाओगे पूरा माल सेल करके? तो आपसे जैसे ये यहाँ पे जो मंडी में लोग व्यापारी वगैरह आते हैं वो स्टॉक में भी माल ले जाते हैं क्या? वो भी ले जाते हैं। ले जाते हैं जैसे 50-100 एक साथ ले गए? हाँ, सब ले जाते हैं। तो ये भाई साहब आप मंडी के मेन गेट पे ही भाई साहब की शॉप है, तो कोई अगर लेना चाहे तो भाई साहब से ले सकते हैं। मंडी में चकोर और ये बतख लेके आए हुए हैं, तो जिन भी भाई को चाहिए हो तो वो यहाँ से लेके और बतख और चकोर लेके जा सकता है और अपना शौक पूरा कर सकता है। और ये भारी संख्या में यहाँ पर बतख है। क्यों भाई साहब, बढ़िया के मामला नहीं है? बढ़िया है, ये है बढ़िया। आप पंजाब से ही हो क्या? हाँ जी, पंजाब से ही हूँ सर। कैसा लगता है देखने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पंजाब में मेरा लगता है मेले में घोड़ों के पास जितनी भीड़ नहीं रहती जितनी वो तोते मुर्गे और इनके पास में रहती है। इसमें ही रहते हैं, घोड़ों के पास भी रहती है भैया? नहीं, घोड़े के पास तो रहती है क्योंकि घोड़ों को तो मेला ही है। मेला है, पर उनके पास में बच्चे बुजुर्ग वगैरह सब देखते रहते हैं ना? देखते रहते हैं, वो जो चिड़ी हो गए, तोते हो गए, कुत्ते हो गए, इसके बाद इसके रहते हैं वो भीड़। आप कहाँ से हो भाई साहब? वैसे मैं पंजाब मुक्सर से ही हूँ। अच्छा, मुक्सर से लोकल ही? लोकल ही हूँ, मेरा वो है सामान। अच्छा अच्छा, सामान की है? मेरा सामान है। अच्छा, घोड़ों का ही सामान है? मेरे पास कुत्तों का सामान है और बल्दों का सामान है, जैसे कि झांझर होगी या गानी वगैरह होगी, कोई डॉग के बटे हो गए हैं, कोई संगली वगैरह, रस्सी वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। चलो भाई साहब का भी एक वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब के पास क्या क्या सामान है। और आप ये देख सकते हो ये चकोर है जो इस मंडी में बिकने के लिए आई है। तो जिस भी भाई को लेना हो मैंने नंबर डाल दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसको भी लेना हो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। ये देखो, ले लेना बाबूजी, कितने का ले लेना है? 1000 रुपये।